नमस्कार दोस्तों, रे एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, इसके पूर्व में हम संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संघीय व्यवस्था पर चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संसदीय व्यवस्था और न्यायपालिका, इन तीनों ही टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम राज्य की कार्यपालिका को प्रारंभ कर रहे हैं। ये भी जानकारी होना चाहिए कि संघात्मक शासन प्रणाली में जिस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और केंद्र में सरकार होती है, उसी तरीके से राज्य में भी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना किया गया है। यानी कि केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली है और राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और राज्य में भी उसी तरीके से कार्यपालिका नाम मात्र और वास्तविक में बटी हुई होती है, और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में हम लोग राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद सहित मंत्री मंडल या मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और इसी तरीके से राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, ये सभी लोग मिलकर के राज्य की कार्यपालिका की संरचना का निर्माण करते हैं और ये व्यवहार में कार्यपालिका की शक्तियों का जो है प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन सभी लोगों को मिलाकर राज्य की कार्यपालिका कहा जाता है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग आज के इस लेक्चर में राज्यपाल को कवर करने का प्रयास करेंगे। केंद्र की भांति राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका या विधिक कार्यपालिका जो भी आप कह सकते हैं, उसका प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के स्तर पर किया जाता है। और दूसरी तरफ राज्यपाल का जो पद है वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यद्यपि सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल किया जा सकता है। और जब वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे तो वैसी स्थिति में उनके परिलब्धियों का जो निर्धारण होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और उस अनुपात के आधार पर विभिन्न राज्यों से उनके परिलब्धियों का भुगतान होगा, जैसा कि समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता रहेगा। तो आर्टिकल 153 के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं की गई हैं। 154 में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यानी कि स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि जिस तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में निहित होती है, वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर भी है। लेकिन जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, जब वहां पर ये वास्तविक और नाममात्र ये सब नहीं लिखा रहेगा, तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि वो औपचारिक रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है और ऐसी स्थिति में उस सवाल का उत्तर जो है वो राज्यपाल होगा, क्योंकि आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होता है। अब हम इनके निर्वाचन की तरफ चलते हैं। राज्यपाल के निर्वाचन की व्यवस्था आर्टिकल 155 के अंतर्गत किया गया है और इनका निर्वाचन में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यद्यपि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो केंद्र सरकार में कैबिनेट के सहमति और विश्वास के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं और उस नियुक्ति के संदर्भ में कैबिनेट राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, लेकिन व्यवहार में तो ये होती है स्थिति। लेकिन जब हम औपचारिक रूप में, लिखित रूप में, संविधानिक रूप में अगर देखेंगे तो वहां पर यही कहा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये आर्टिकल जो है 155 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन के बाद कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः उनके पदभार ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यद्यपि इसके पूर्व में भी
इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और 5 वर्ष के बाद भी इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। सामान्य परिस्थिति में इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं हैं कि यदि कोई भी ऐसा राज्यपाल है जिसका कार्यकाल बचा हुआ है तो उस बचे हुए कार्यकाल के लिए उन्हें दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, और कार्यकाल पूरा हो गया है तो वैसी स्थिति में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पर्याप्त उदार नीतियां और व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास इसकी व्यवहारिक स्तर पर शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। और इसके बाद कार्यकाल के बाद इनको हटाने की प्रक्रिया अगर देखा जाए, हटाने की प्रक्रिया, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के विश्वास तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के माध्यम से उनको उस पद से हटा सकते हैं, यद्यपि इसके संदर्भ में उनको पुनः व्यवहार में जो परामर्श है वो कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये व्यवस्था थी हटाने के संदर्भ में। आर्टिकल 160 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 160 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें राज्य में राज्यपाल के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके दायित्वों का निर्धारण करने का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं जिसे वह इस कार्य के लिए उपयुक्त समझते हैं। तो ये जो है 160 के अंतर्गत प्रावधान है। सामान्य की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये दायित्व दिया जाता है, क्योंकि इसी तरीके से केंद्र सरकार में भी व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वहां पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश वहां की व्यवस्था संभालते हैं। तो ये व्यवस्था जो है के संदर्भ में है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत जो है इन्हें क्षमादान की शक्ति भी प्रदान की गई है, लेकिन यहाँ पर सैन्य न्यायालय और दूसरी तरफ मृत्यु दंड के आदेश को जो है क्षमा करने का नहीं है। बाकी समस्त जो है अधिकार विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उसी तरीके से क्षमा करने की है जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन दो व्यवस्थाएं हैं जो कि सैन्य न्यायालय है यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, और दूसरा सैन्य न्यायालय के साथ साथ जो है ये मृत्यु दंड, ये दो ऐसे जो है स्थिति है जो कि राज्यपाल के पास नहीं है और राष्ट्रपति के पास ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये रही जो है राज्यपाल के जो है पद की व्यवस्था आर्टिकल 153 में, और कार्यपालिका शक्तियों का निहित होना 154 में, निर्वाचन की व्यवस्था 155 में, कार्यकाल के संदर्भ में हमने देखा उनको हटाने की क्या व्यवस्थाएं हो सकती उसको देखा, और एक विशेष स्थिति जबकि 160 में ऐसा हो जाए कि वो कार्य करने में असमर्थ हो तो क्या व्यवस्थाएं हैं, और क्षमादान करने की शक्ति जो है उसके संदर्भ में एक व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो ये एक सामान्य रूप से राष्ट्रपति के संदर्भ में ये व्यवस्थाएं थी। अब हम राष्ट्रपति के कार्यों शक्तियों को देखेंगे, राष्ट्रपति के कार्यों शक्तियों। राष्ट्रपति के कार्यों शक्तियों को हम लोग देखेंगे। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, वैसे ही राज्य की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल भी नाम मात्र के प्रधान होते हैं, फिर भी भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है। इनके कार्य और शक्तियां दोहरी भूमिका के रूप में होती हैं, एक राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में, और दूसरा है यहां पे केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो अभी हम राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में इनके दायित्वों को जो है यहां पर देखने का
प्रयास करेंगे और इनके दायित्वों को उसी क्रम में जैसा कि राष्ट्रपति का हम लोग अध्ययन करते हैं, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, न्यायिक, तो उसी क्रम में इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात दोनों ही संवैधानिक पदाधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व से संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में विकल्प दिया होता है उसमें से क्या गलत है ऐसे पूछा जाता है, या अगर एक से अधिक होते हैं तो कूट बना करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए इसको जो है दोनों को एक पैटर्न पर अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और एक मुख्य परीक्षा में अवधारणात्मक उत्तर लिखने के लिए एक स्वस्थ जो है अप्रोच या स्वस्थ उपागम का आपके अंतर्गत विकास होगा। तो पहले नंबर पर है विधायी, जैसा वहां था केंद्र में उसी तरीके से प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक जो है वर्ष के जो है प्रारंभिक सत्र में राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल को संबोधित किया जाता है और उस संबोधन में विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया जाता है कि सरकार कौन कौन सी नीतियों पर काम करने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं बनाने वाली है और उन योजनाओं के आधार पर राज्य का विकास करने का खाका खींचने का प्रयास किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं नहीं कि जो है संबोधन करने का काम ये करते हैं, विधानमंडल को संबोधित करते हैं, ये राज्य में जो है सदन को जो है आहूत सत्रावसान और विघटन का भी काम करते हैं। आहूत सत्रावसान और विघटन, आहूत करने का मतलब सत्र को आहूत किया जाता है और सत्रावसान जब सत्र समाप्त हो जाता है तो उसको किया जाता है, और विघटन मतलब पूरी तरीके से समाप्त एक नए विधानमंडल का जो चुनाव होगा तो उसके लिए विघटन शब्द होता है। ये 5 वर्ष के बाद सामान्यतः होता है, कहीं कहीं कोई ऐसी कंडीशन आती है जबकि पहले भी करना पड़ सकता, वो की स्थिति है जब मिली जुली सरकार हो और एक सरकार जो है अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाए, ग्राउंड टेस्ट में फेल हो जाए और दूसरा सरकार विकल्प ना बना पाए तो ऐसी स्थिति में विधानमंडल का विघटन हो जाता है और नया चुनाव होता है और जनता से अपेक्षा की जाती है कि वो एक स्पष्ट जो है रूप में किसी एक पार्टी को अपना जनादेश और बहुमत दे जिससे वो सरकार बनाने में सफल हो। लेकिन यहाँ पे सत्रावसान के संदर्भ में एक और बातें हैं कि सत्र जब चल रहा होता है कानून बनाने के लिए, जो कि 3 सत्र हैं सामान्य रूप से बताया भी गया है पूर्व में भी, तो उसके दौरान कुछ समय के लिए अगर सत्र जो है स्थगित होता है तो ये काम उस सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है, ये कार्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि सदन का स्थगन जो होगा सत्र का वो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा होगा और सत्रावसान जो कि दीर्घ काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है तो वो जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सवाल दोनों से संबंधित पूछे जाते हैं। अगर ये भी सवाल पूछ लेता है कि सदन का जो है स्थगन कौन करता है, स्थगित कौन करता है, तो यहां पर इस सवाल का उत्तर उस सदन का अध्यक्ष या सभापति होगा। लेकिन अगर ये कहा जाता है, अगर ये कहा जाता है कि दीर्घकाल के लिए स्थगित, तो वहां पर अध्यक्ष हो जाता है और उसी दीर्घकाल के स्थगित को ही सत्रावसान कहा जाता है। तो ये काम भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहां पर आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो एक सदस्य का जो है ये मनोनीत भी विधानसभा में करते हैं। इसी तरीके से जो है विधान परिषद में विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों को जो है ये मनोनीत करते हैं, जो क्रमशः साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता 5 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। PDF नोट्स में इसके सारे डिटेल्स आप लोगों को विस्तृत रूप में मिलेगा, यहाँ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है, यानी कि विधानसभा में एक और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का, ये इस पर डिपेंड करता है कि किस राज्य का आकार कितना है विधानसभा का, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस रूप में जो है इन लोगों को उनकी नियुक्ति और चुनाव होता है। यहाँ पे आम चुनाव के बाद विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और सभापति की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि इनका पद रिक्त होता है तो वहां पर उस व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है जो इसे राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा इसे उपयुक्त समझा जाता है। यद्यपि बाद में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए उनके पैनल से चुनाव होता है, लेकिन आकस्मिक रूप में ये व्यवस्था राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि सदन से जो भी विधेयक पास होते हैं विधेयक के संदर्भ में,
विधेयक के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं वो तब तक कानून नहीं बनती है जब तक कि वो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। राज्यपाल के पास इस पर चार विकल्प होते हैं, एक उस पर जो है वो स्वीकृति दे दे, कानून बन जाएगा, दूसरा उसे वो पुनर्विचार के लिए भेज दे, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है 78 में कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और जब ये यहाँ पर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो सदन उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, पुनर्विचार भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किए बिना या किए दूसरी बार भेजा जाता है तो राज्यपाल को उस पर प्रत्येक स्थिति में सहमति देना होता है। ये इसे अपने पास रख लें या इसे राष्ट्रपति के पास भी जो है आर्टिकल 201 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि इसे जो है आर्टिकल 201 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। तो ये चार प्रकार की कंडीशन होते हैं। राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तो वो भी स्वीकृति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए जब आएगा तो विधानमंडल को 6 माह में भेजना होगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति तब भी जो है उस पर बाध्य नहीं होता है हस्ताक्षर करने के लिए, जबकि सदन से जब पारित होकर के आएगा तो उसी स्थिति में वो बाध्य होता है। तो ये व्यवस्था विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरीके से विधायी कार्यों में जब 213 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि विश्रांत काल बोला गया है, यानी कि जब सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल के द्वारा किसी भी विषय पर सरकार को यदि कानून की आवश्यकता होती है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और अध्यादेश जारी होने के बाद जब सत्र वापस आता है तो वो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, उस दौरान उसे सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो वो कानून बन जाता है। यानी कि कोई भी विधेयक अधिकतम जो है वो 6 माह + 6 सप्ताह, क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो 6 माह का समय, एक सत्र समाप्त हुआ तुरंत जो है कानून की आवश्यकता पड़ गई तो यहां पर वो जारी कर दिए, और दूसरा जो सत्र होगा वो 6 महीने बाद होगा, यानी कि 6 माह का जो है गैप हो गया यहाँ, और जब वो दूसरा सत्र आयोजित होगा उसके 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रह सकता, अर्थात बिना अनुमोदन के कोई भी जो विधेयक अध्यादेश है वो 7.5 माह तक जो है रह सकता, क्योंकि 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह और 6 माह ये, तो 7.5 माह तक ये प्रभावी हो सकता है। जबकि विधानमंडल या इसी तरीके से संसद में भी व्यवस्थाएं हैं कि उसको सदन के द्वारा अनुमोदित न किया जाए। तो ये रही कुछ व्यवस्थाएं विधायी कार्यों के संदर्भ में। अब हम लोग देखेंगे कार्यपालिका कार्य। विधायी कार्य और दूसरा है कार्यपालिका से संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत 154 में जो है ऑलरेडी कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी कि औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्तियां ही राज्यपाल में होती है। यद्यपि व्यवहार में इसका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारी जो अस्थायी कार्यपालिका जिसे नौकरशाही कहा जाता है उसके साथ मिलकर के उसका प्रयोग करती है, क्योंकि कार्यपालिका नीति बनाती, कानून बनाती है, नीति बनाती है, योजना बनाती है, और उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नौकरशाही के माध्यम से किया जाता है। तो 154 में ये व्यवस्था हो गई। ऑलरेडी 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था ये सहयोगी के रूप में राज्यपाल के लिए बनाई गई है। समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, लेकिन वो व्यवहार में इस मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। 164 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद इसलिए लिखते जा रहे हैं क्योंकि याद करने में भी आसानी होगी, और इसका क्रम बनता जा रहा है। 154 है, 163, 164 है, 165, 166, 167 अभी इस तरीके से आप देखेंगे, और बाद में कुछ एक दो बात और बची रहेगी जिसको हम लास्ट में जोड़ देंगे, तो इनकी कार्यपालिका भूमिका जो है स्पष्ट हो जाएगी। 163 हमने देख लिया। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे जिस राजनीतिक दल के नेता को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे, किंतु वहां पर विवेक की भी जरूरत होगी जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा, और राज्यपाल के द्वारा ऐसे
राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है और एक निश्चित समय दिया जाता है जिस समय के अंतर्गत उस मुख्यमंत्री के माध्यम से अपना बहुमत सदन में सिद्ध किया जाता है। और इसी में यह भी व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और ये मंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसी में ये भी कहा गया है कि ये मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति। तो कहने का तात्पर्य कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 165 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट राज्य महाधिवक्ता राज्य महाधिवक्ता सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसको वही पारिश्रमिक दिया जाता है जो समय समय पर राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये वेतन न पाके पारिश्रमिक जो है प्राप्त करते हैं। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, खैर राज्य महाधिवक्ता का एक अलग हम लोग चैप्टर बनाएंगे जिसमें उसके कार्य और सारी डिटेल्स को हम देखेंगे। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि ये कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। 166 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य सरकार के समस्त कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। वो इस बात को भी वेरीफाई करता है कि जब समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में हैं तो समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। यद्यपि व्यवहार में और वास्तविक रूप में इन सभी कार्यों को किया जाएगा मंत्रिपरिषद सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। 167 के अंतर्गत जो है राज्य की कार्यपालिका के जो भी नीतिगत विधायी प्रगतियां होंगी उसकी सूचना समय समय पर मंत्रिपरिषद की राज्यपाल के को दिया जाता रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के दायित्व को भी निर्धारित किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी विधायी और नीतिगत प्रगति होगी उसकी सूचना दिया जाएगा। और इसमें राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है कि वो स्वयं भी ये चीज जो है मांग कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रगति चल रही है या वो एक मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे समस्त मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का उस पर क्या राय है। तो ये व्यवस्थाएं थी अनुच्छेद के अंतर्गत। इसी के साथ साथ नियुक्तियां जो होती है वो भी कार्यपालिका कार्य के अंतर्गत आता है क्योंकि उन नियुक्तियों के लिए परामर्श जो है कैबिनेट के द्वारा राज्यपाल को दिया जाता है। तो जैसे एडवोकेट जनरल का किया गया उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग का भी किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो कि पंचायतों का चुनाव संचालित करते हैं, यद्यपि इनको हटाने की व्यवस्था जो है वो न्यायाधीश के को हटाने की व्यवस्था के समान ही है, यानी कि संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इसी तरीके से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य यूनिवर्सिटीज के सभी जो है कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और स्वयं सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति होते हैं जिसको वाइस चांसलर और चांसलर कहा जाता है, यानी कि कुलपति और कुलाधिपति। तो राज्यपाल जो है राज्य यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति होते हैं। तो ये व्यवस्था थी कहीं ना कहीं जो है कार्यपालिका कार्यों के संदर्भ में जो राज्य में राज्यपाल के द्वारा देखे जाते हैं और इनके दायित्वों को पूरा किया जाता है। दूसरा है वित्तीय कार्य, वित्तीय भूमिका। आर्टिकल 202 के अंतर्गत जो है जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था थी केंद्र में संसद के पास था ये चीज कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण था जो कि राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। इसी तरीके से 202 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जो प्रारंभ में राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के द्वारा सदन में रखवाया जाएगा और कोई भी अनुदान की मांग बिना राज्यपाल की स्वीकृति नहीं रखा जा सकता है।
इवन धन विधेयक जो है वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही जो है सदन में रखा जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है ये पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का जो है गठन करेंगे। ये गठन जो है करेंगे और राज्य वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद ऐसे उपायों को सुझाएंगे जिससे कि उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है या राज्य से इसके संदर्भ में उनको धन आवंटन के लिए सिफारिश या अनुशंसा कर सकेंगे। तो ये कुछ कार्य जो है वित्तीय क्षेत्र में राज्यपाल की बनाई गई है। अब हम देखते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य के अंतर्गत राज्य में जब न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश योमन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। और दूसरी तरफ जो अधीनस्थ न्यायालय हमारे यहाँ है, जिला न्यायाधीश की जैसे नियुक्ति होती है, तो उस नियुक्ति वो नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल यद्यपि इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश से अतिरिक्त जो कि आर्टिकल 333 में जो है जिला न्यायाधीश 334 के अंतर्गत अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में है, तो वहाँ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श करते हैं, क्योंकि PCSJ के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उन परीक्षाओं के आधार पर अपनी अनुशंसा सरकार को भेजते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा और तब जो है राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी न्याय क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ जो है 161 के अंतर्गत जो है इनको क्षमा की भी शक्ति प्रदान की गई है और ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो कानून का उल्लंघन करने वाले दोषियों को सजा से जो है मुक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ कार्य थे जो न्यायिक क्षेत्र में इनके द्वारा किए जाते हैं। अब हम एक दो और प्रावधान है जिसे राज्यपाल के संदर्भ में समझ लेना आवश्यक है कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा इन भूमिका का निर्वहन किया जाता है, जो कि अपने स्वरूप में नाममात्र के कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने के कारण समान प्रतीत होता, लेकिन कुछ अंतर है दोनों में जिसे यहाँ पर समझना आवश्यक है। एक तो जो न्याय क्षेत्र में जो शक्तियां दी गई हैं, न्याय क्षेत्र में जो शक्ति प्रदान की गई है उसके क्षेत्र में है कि मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसे माफ किया जा सकता है, राज्यपाल इसे नहीं कर सकते। सैन्य न्यायालय के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास पावर होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसी तरीके से सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं तीनों में ही। और इसी तरीके से प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, प्रतिनिधित्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं किया जाता है। और एक विशिष्ट जो है व्यवस्था है जो कि विवेक की शक्ति है वो राज्यपाल के पास होता है परंतु ये राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। तो ये कुछ तुलना करने के विषय हैं जिसमें विशिष्ट स्थिति राज्यपाल की दिखाई राष्ट्रपति की दिखाई गई है लेकिन राज्यपाल की वहां पर नहीं होती है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को देखा। एक और चीजें स्पष्ट हैं जिसे यहाँ पे देखना जरूरी है कि प्रत्यक्ष नियुक्ति, राज्यपाल की प्रत्यक्ष नियुक्ति क्यों नहीं होती है। केंद्र के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्य के व्यवस्था में ये कार्य करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में इनका चुनाव जनता के द्वारा क्यों न किया जाए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और उसी तरीके से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जहां पर वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है, जो कि उस राजनीतिक दल के द्वारा जो है
बनाए जाते हैं जिसे लोक विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा जनता के द्वारा चुनी गई होती है प्रत्यक्ष रूप से, तो जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था है और उसके द्वारा जो बनी हुई जो संरचना है सरकार की, उसके पास ही वास्तविक शक्तियां होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्यपाल के पास जो है वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ अगर जनता के द्वारा इनका चुनाव कर भी लिया जाए तो एक जो हमारे पास जो है मुख्यमंत्री और प्लस जो है मंत्रिपरिषद होती है, इसके पास ऑलरेडी वास्तविक शक्तियां हैं और राज्यपाल के भी पास वास्तविक शक्तियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों लोगों के पास जब वास्तविक शक्तियां आ जाएंगी तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा और दोनों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं और वो जहां पर एक तरफ हम लोगों ने चर्चा किया राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में, वहीं दूसरी तरफ वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानून व्यवस्था और समय समय पर यहाँ पर उत्पन्न हुई अव्यवस्था के संदर्भ में केंद्र सरकार को सूचना देते हैं। और यदि इनकी सूचना इस तरीके से वहाँ पर प्रेषित की जाती है कि राज्य की व्यवस्था संवैधानिक तंत्रों के अनुकूल नहीं की जा रही है, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करते हुए यहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। तो इसलिए केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इस संदर्भ में राज्यपाल को ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रधान के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो भूमिका है उनमें संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार जब केंद्र में सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की होती है तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक के होने की अपेक्षा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा होता है और ऐसी स्थिति में वहां पर विवाद उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली और जनता का हित सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रख करके ही शासन संचालन में अपना योगदान देना चाहिए, तभी हम लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित कर पाएंगे और जनता के कल्याण को ऊपर ले जा पाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राज्यपाल टॉपिक को देखने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम लोग मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को भी कवर करेंगे जिससे कार्यपालिका पूरा हो जाएगा। तो आप अपने अन्य विषयों के साथ साथ इसे बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिए। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।